भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बोलो श्री हनुमान स्वामी बाबा की, बजरंग बली की। सभी हिंदू भाइयों को हमारा नमस्कार। और जो हमारे माननीय विवेक कुमार सिंह लदौर आज संगठन में शामिल हुए हैं और उनको उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और अपने कंधे पे लेके और हमारे कैसरगंज के बाहर उठाए हुए हैं, और सभी से अनुरोध है कि आप लोग सब उनका साथ दीजिए और हमारा पद अधिकारीगण सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। आप लोग से भी अनुरोध है कि साथ दीजिए। और हमारे जो पाठक जी ने बोला है कि रामायण बनवाइए, कहवाइए, मंदिर बनवाइए, और जितने भी हिंदू कार्य होते हैं वो बहुत अच्छे कार्य से निभाइए। और ये हमारे विवेक दादाजी के नियुक्त से सब लोग कोशिश करिए और आगे मीटिंग करवाइए और कोशिश करिए कि एक दूसरे गांव में हर वक्त मीटिंग होता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश करिए और संगठन को जोड़ते रहिए। जैसे आज हम लोग दो संगठन हैं, आगे हम तीन संगठन करें। आज हम लोग एक अधिकारी बने हैं, कल दो लोग और बनेंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें। अभी तो हमारी नियुक्ति हुई है, अभी ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करें। पहली बार आज बोल रहा हूँ तो इसलिए एहसास नहीं हो रहा है कि इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही बोलने में, और लोग धीरे धीरे सीखते हैं, कोई एक बार नहीं सीख सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एकदम पूजा पाठ में पूरा गाँव को पूरा शुद्ध बना दिया जाए। तो मुझे हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस इतनी दूरी पर आ करके इस गाँव में हमारे मुख्य अतिथि श्री विवेक कुमार सिंह बिसेन जी, जिन्होंने अभी न्यू नियुक्त जिला उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी का पद ग्रहण किया है, इसके लिए एक कार्यरत बैठक हुई होनी सुनिश्चित हुई है जो 26 तारीख को होगी। उस बैठक का जो दिनांक या जहां पे होगा वो माननीय मुख्य अतिथि जी आप लोगों को बताएंगे। अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहूँगा कि आप हिंदू संगठन को एकजुट करके, आप सभी से कहता हूँ कि हिंदू संगठन को एकजुट करके और इसका मान बढ़ाएं, क्योंकि आजकल जो भी देखो, जहाँ भी देखो, हर गांव में कहीं ना कहीं पे, हर गांव में जो एक ना एक, दो ना दो, चार, हर गांव में दो तीन मस्जिदें बनती जा रही हैं। हमारा हिंदू इतना पीछे है कि उस गाँव में, किसी किसी गाँव में देखा है हिंदू की एक मंदिर नहीं है, मंगलवार को रामायण नहीं हो रही है। तो हमारा यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि कम से कम हर मंगलवार के दिन गांव में रामायण हो, पूजा हो, पाठ हो, जिससे हिंदू को एकत्रित हो ताकि अपनी बात वो रख सकें। इसलिए हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस पार्टी से जुड़ें, लेकिन इत्तेफाक से माननीय सिंह जी का हमें उद्बोधन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मुझे इस पार्टी में जुड़ने का मौका मिला। हमने इस पार्टी को अभी भी ज़्यादा कुछ ना जानते हुए इसे ज्वाइन किया है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप लोग हर मंगलवार को अपने गांव में रामायण करवाइए। जिस गांव में नहीं होती हो वो करवाए, और एक मंगलवार के दिन ही, शनिवार के दिन भी रख सकता है, सोमवार के दिन भी रख सकता है, ना कुछ हो तो घंटे खान पूजा पाठ करे, कुछ है? एक हिंदू मीटिंग रखे, हर महीने में एक हिंदू को एकत्रित करे कि ये काम करना है, गाँव में बढ़ावा करना है या किसी को करना है। वो लोग जुम्मे के दिन, आप लोग तो जानते हैं, उसमें बताने की ज़रूरत क्या है, जुम्मे के दिन चाहे जितना भी वो आदमी हो वो मस्जिद में ज़रूर जाएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ कहेगा, आपस में मीटिंग होगी क्या करना है आगे। हमारे यहाँ तो मंगलवार के दिन कहता हूँ कि रामायण भैया टाइम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप लोग मंगलवार के दिन मंदिर ज़रूर जाएँ। जिस गाँव में मंदिर नहीं है वहाँ गाँव वाले मेहनत करके मंदिर बनवाएँ। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले सियावर रामचंद्र की। नमस्कार दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।